नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस पर स्वागत करता हूँ। जैसे कि कल मैंने आज के लिए कुछ एनालिसिस करके भी दिया था, अनफॉर्चुनेटली मैंने डेट थोड़ा वहाँ पर एडिट करना भूल गया। एनीवे जो भी है, आज के लिए मैंने एनालिसिस करके दिया था। जितने लोगों ने वीडियो देखा होगा डेफिनेटली पैसा कमाया होगा। तो हम लोग चलते हैं कल के लिए। कल कौन से लेवल पर आप ट्रेड कर सकते हो, कौन से स्टॉक्स रहेंगे और सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रहेगा, वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। जो भी लेवल्स देने वाला हूँ, खास करके उन लेवल्स को नोट करके मार्केट में ज़रूर ट्रेड करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिए, सो दैट इन फ्यूचर कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तुरंत आपको पता चले और आप लोग वीडियो देख के उसका लाभ उठा सकते हो। पहले चलते हैं टाटा मोटर्स के ऊपर। देखिए, टाटा मोटर्स का सपोर्ट कल के लिए रहेगा 442.80 पैसा। याद रखिए, अगर टाटा मोटर्स 442.80 पैसा के नीचे सस्टेन करता है, आप लोग सेल कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 439.60 पैसा, और 439.60 पैसा के नीचे भी चलता है 436। याद रखिए, 442.80 पैसा के नीचे सस्टेन करता है, पहला टारगेट रहेगा 439.60 पैसा, दूसरा रहेगा 436। चलिए रेजिस्टेंस के ऊपर देखते हैं। रेजिस्टेंस रहेगा 446 के ऊपर चलता है, बाई कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 449.50 पैसा, दूसरा रहेगा 450 पैसा। याद रखिए, अगर टाटा मोटर्स 446 के ऊपर सस्टेन करने लगता है तो आप बाय कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 449.50 पैसा, दूसरा रहेगा 450 पैसा। जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है मैंने आपको क्लियरली बता दिया हूँ, ध्यान से आप लोग ट्रेड करें क्योंकि ये एक अच्छा लेवल है। अगर ये क्रॉस करता है, ऊपर सस्टेन करने लगता है, तो आपको 450 के ऊपर सस्टेन करता है तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम आपको आगे चल के टाटा मोटर्स में देखने को मिल सकता है। जब तक ये 450 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, तब तक थोड़ा बहुत नीचे आने की उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। जब ये सस्टेन करने लगेगा तो काफ़ी अच्छा टारगेट आपको देखने को मिलेगा टाटा मोटर्स में। गाइज, अगर किसी को भी फ्री टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक मैंने दे दिया हूँ, काइंडली आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। और किसी को भी अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना है मेरा, डिस्क्रिप्शन पे मेरा कंपनी का ईमेल आईडी मैंने दिया हूँ, आप लोग मुझे वहाँ पर मेल करिए, सारी डिटेल्स आपको पता चलेगा और आप ट्रेनिंग में ज्वाइन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट आपका रहेगा DLF। DLF के ऊपर भी थोड़ा लेवल्स हम लोग देखेंगे। जैसे कि DLF हमने प्लान किया था, अगर रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करने लगता है तो हम लोग बाय करेंगे, बट रेजिस्टेंस से थोड़ा नीचे आ गया ये, और थोड़ा नहीं काफ़ी नीचे आ गया। जितने लोगों ने रेजिस्टेंस के नीचे सेल किया होगा उन्होंने डेफिनेटली पैसा कमाया होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कल के लिए क्या रहेगा। कल का सपोर्ट रहेगा 337। अगर 337 के नीचे अगर DLF सस्टेन करता है, आप लोग सेल कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 333.60 पैसा, उसके नीचे चलता है 329.20 पैसा, और 323 तक आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। दोबारा बता देता हूँ, 337 के नीचे अगर सस्टेन करता है DLF, आप लोग सेल कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 333.60 पैसा, उसके नीचे भी चलता है 329.20 पैसा और 323, यहाँ तक आपका टारगेट रहेगा। अगर रेजिस्टेंस की बात कहूँ, रेजिस्टेंस आपका रहेगा 341.20 पैसा। अगर 341.20 पैसा के ऊपर सस्टेन करने लगता है तो आप बाय कर सकते हो इंट्राडे के लिए। पहला टारगेट रहेगा 345, दूसरा रहेगा 348.85 पैसा, और जिस दिन 348.85 पैसे के ऊपर सस्टेन करने लगेगा तो आपको यहाँ पर 352 और उसके ऊपर की काफ़ी अच्छा टारगेट भी आपको देखने को मिल सकता है। स्टील आपका 370 तक आपको यहाँ पर टारगेट देखने को मिल सकता है। तो जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस था मैंने आपको क्लियरली बता दिया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, काइंडली आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिए, सो दैट इन फ्यूचर कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तुरंत आपको पता चले। उसके साथ साथ जो भी चाहते हो, अगर आप फ्री टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक मैंने दे दिया हूँ, अगर चाहो तो आप लोग चेक करके ज्वाइन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं टाटा स्टील के ऊपर। टाटा स्टील के ऊपर हम लोग थोड़ा अभी एनालिसिस करने से पहले एक चीज़ आप लोग को ज़रूर बताना चाहता हूँ। जितने लोगों ने आज इंट्राडे पर ट्रेड लिया, जैसे कि टाइटन में मैंने बाई करवाया था, सेल करवाया,
एंजल वन पे मैंने ट्रेड दिया था, नायका में दिया था मैंने, और आपका उसके साथ साथ आपको टाटा स्टील में भी काफ़ी लोग को मिला था, और निफ्टी बैंक निफ्टी में भी काफ़ी अच्छा ट्रेड मिला था। जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं पेड चैनल में और फ्री चैनल में, उन सबको आज अच्छा खासा पैसा ज़रूर मिला होगा। तो बस इसीलिए बोलता हूँ, अगर किसी को भी अगर फ्री चैनल ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक है, चेक करके ज्वाइन कर सकते हो। अगर किसी को पेड चैनल ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन पे उसी फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। चलिए टाटा स्टील के ऊपर चलते हैं। टाटा स्टील का सपोर्ट हम लोग पहले देखते हैं। सपोर्ट रहेगा 1059.70 पैसा। याद रखिए, अगर 1059.70 पैसा के नीचे सस्टेन करता है टाटा स्टील, सेल कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 1053.30 पैसा, दूसरा रहेगा 1037। याद रखिए, अगर टाटा स्टील 1059.70 पैसा के नीचे सस्टेन करता है, आप सेल कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 1053.30 पैसा, दूसरा रहेगा 1037। अगर रेजिस्टेंस की बात कहूँ, रेजिस्टेंस रहेगा 1066। जैसे ही 1066 के ऊपर सस्टेन करने लगता है, आप लोग बाय कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा आपका 1079 के ऊपर, जैसे ही क्रॉस करेगा 1088 और 1097, यहाँ तक आपको टारगेट देखने को मिलेगा। और जिस दिन ये 1097 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा, 1100 के ऊपर काफ़ी अच्छा टारगेट है, वो आपको आगे चल के देखने को मिल सकता है। दोबारा बताता हूँ, 1066 के ऊपर सस्टेन करने पर बाई कर सकते हो। 1079, 1088, 1097, यहाँ तक आपको टारगेट है। अगर किसी को कुछ डाउट हो रहा है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपको जो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस टेलीग्राम चैनल पर आप फ्रीली ज्वाइन हो जाइए। कोई भी चार्जेस नहीं है उसमें ज्वाइन होने के लिए, और आपको वहाँ पर इंट्राडे में कुछ फ्री ट्रेड्स भी आपको वहाँ पर मिलते हैं। अगर आप चाहो तो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ अगर किसी को भी अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम मेरा ज्वाइन करना है, तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मैंने मेंशन किया हुआ है, आप लोग मुझे मेल करिए, आपको सारे डिटेल्स पता चलेगा वहाँ पर। चलिए नेक्स्ट आपका रहेगा अशोक लेलैंड। देखिए, अशोक लेलैंड अभी एक ही लेवल पर अभी ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ पर एक ही चीज़ हो सकता है, जब ये हाई ब्रेक करेगा या लो ब्रेक करेगा, उसके बाद ही आपको मोमेंटम आप यहाँ पर कैप्चर कर सकते हो। बट उससे पहले आपको अगर थोड़ा रिस्क लेके काम करना है, तो आप लोग ले सकते हो। बट मैं प्रेफर करूँगा यहाँ पर ट्रेड ना करने के लिए। फिर भी अगर आप इंट्राडे में पैसा कमाना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर हो सकता है। क्या लेवल्स मैं आपको बता देता हूँ। 139 का सपोर्ट रहेगा, जैसे ही 139 के नीचे अशोक लेलैंड सस्टेन करने लगेगा, 139.25 पैसा, तो आप लोग सेल कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 137, दूसरा टारगेट रहेगा 134.95 पैसा। दोबारा बता देता हूँ, 139.25 पैसे के नीचे अगर सस्टेन करता है, सेल कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 137 के ऊपर नीचे भी सस्टेन करता है, 134.95 पैसा और 132.95 पैसा। याद रखिए, अगर अशोक लेलैंड 139.25 पैसे के नीचे सस्टेन करता है, डायरेक्टली सेल करिए 134.95 पैसा, 132.95 पैसा, यहाँ तक आपको टारगेट देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ रेजिस्टेंस की बात अगर कहूँ, 141.45 पैसा का रेजिस्टेंस रहेगा। जैसे ही 141.45 पैसे के ऊपर सस्टेन करता है अशोक लेलैंड, बाय कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 143, दूसरा रहेगा 145.30 पैसा, और 145.30 पैसा के ऊपर जैसे ही सस्टेन करता है, पहले भी आपको दिया होगा, जितने लोगों ने देखा होगा अशोक लेलैंड का, 147.65 पैसे तक भी आपको टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। गाइस, अगर किसी को भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वॉइस इशू हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग मुझे डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आप लोग को डायरेक्ट आपको रेजोल्यूशन मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर किसी को भी कुछ डाउट होता है, कुछ भी होता है, टेलीग्राम के माध्यम से पूछना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन पे फ्री टेलीग्राम का लिंक है, जहाँ पर आपको इंट्राडे में कुछ फ्री ट्रेड मिलते हैं, चाहो तो आप लोग वहाँ पर ज्वाइन कर आप लोग वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, आपको वहाँ पर सारी डिटेल्स मिल जाती है। तो आप लोग वहाँ पर डिस्क्रिप्शन टैब में मुझे चैट करके पूछ सकते हो। चलिए नेक्स्ट आपका रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI के ऊपर भी थोड़ा लेवल्स देखेंगे, काफ़ी अच्छा ट्रेड आपको मिला SBI में, जितने लोगों ने ट्रेड किया होगा। हाँ, एनीवे हमारा टारगेट नहीं है, बट अच्छा खासा टारगेट आपको यहाँ पर, जो भी छोटा मोटा प्रॉफिट आप लोग कमाए होंगे।
कल के लिए देखते हैं, कल का सपोर्ट रहेगा 460-470 पैसा। अगर 460-470 पैसा के नीचे सस्टेन करता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेल कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 460 रुपीज़ 20 पैसा, दूसरा टारगेट रहेगा 454, तीसरा रहेगा 450। याद रखिए 460-470 पैसा के नीचे सस्टेन करने के बाद आप लोग सेल कर सकते हो 460-20 पैसा, 454-450, यहाँ तक आपको टारगेट देखने को मिलेंगे। रेजिस्टेंस की बात अगर कहूँ, 468-40 पैसा का रेजिस्टेंस रहेगा। 468-40 पैसा के ऊपर जैसे ही सस्टेन करता है बाय कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 472, दूसरा रहेगा 476-40 पैसा। 468-40 पैसा के ऊपर सस्टेन करने के बाद बाय करिए 476-40 पैसा, और ज़रूरत पड़ने पर 480-255 पैसे का लेवल भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो गाइस, जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस था मैंने आपको क्लियरली बता दिया हूँ। अगर आपको लेवल्स अच्छे लगे होंगे, अगर आपको लगता है कि इन लेवल्स पर आप पैसा कमा सकते हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिए, सो दैट इन फ्यूचर कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तुरंत आपको पता चले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।